हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अभी मैंने लाइव स्ट्रीम लगाई थी, बफरिंग हो रही थी, उस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट है, ये एग्ज़ाम है, इसके बारे में आप लोगों को पता है चल रहा है एग्ज़ाम। और इसके जीके क्वेश्चन के जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसके भी मैं लेके आया था, और एकदम सटीक क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, एकदम सटीक क्वेश्चन है, जितने भी हैं सारे सही हैं। 22-25 जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे सही क्वेश्चन दिखाई देंगे इसमें। तो ये है सेकंड शिफ्ट की जीके का वीडियो। कल जिसका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत फायदा होगा, उसको एक आइडिया लग जाएगा जिसका भी एग्जाम है कि क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास डाल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बफरिंग काफ़ी हो रही थी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और आप लोग अगर इसके अलावा मतलब जो भी आज पेपर दे के आया है और इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4-5 बचते हैं, तो वो आप कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन बचे हैं, और जो नहीं आया उसके बारे में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम की बात करें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भी चर्चा का विषय बना रहा था काफ़ी कि ऐसे कैसे नाम रख सकते हैं। सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसमें दो स्टैंड बनाए गए हैं, दो एंड्स बनाए गए हैं, एक तो अंबानी एंड और एक अडानी एंड। द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, 5 बार जिता चुके हैं आईपीएल ट्रॉफी, नाम है रोहित शर्मा, और अभी इंडियन टीम के वाइस कैप्टन मतलब उप कप्तान है। आज 9 तारीख है, तो आज ही रात को आईपीएल स्टार्ट है। आज से भी मतलब बेंगलुरु का और मुंबई इंडियंस का मैच भी होने वाला है। वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वाटर डे मनाया जाता है हमारा 22 मार्च के दिन। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? बिहार में। हेरिटेज स्टेटस किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को जो संस्था है उसके द्वारा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लोएस्ट स्कोर बनाया था टेस्ट मैच की पहली पारी में 38 रन का, तो इस 38 रन का जो मैच था, चार टेस्ट मैच की सीरीज थी जिसमें भारत सीरीज जीत के आया था युवा टीम के दम पे, ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? एडिलेड में। ठीक है, एडिलेड नाम की जगह एडिलेड स्टेडियम में हुआ था। सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो कैपिटल ऑफ मणिपुर है इम्फाल। अगर कोई कहता है मेघालय, तो मेघालय के शिलोंग। 2020 के साइक्लोन के बारे में पूछा था, जिसका आंसर वेस्ट बंगाल है। जोग वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका, कर्नाटका में जोग जलप्रपात स्थित है। देन पीपीएफ की फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा डिप्टी गवर्नर नहीं है, तो इसके ऑप्शन नहीं आ पाए, इस वजह से इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा मैं, कमेंट कर दूंगा देख के बाद में। यूपीआई किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? एनपीसीआई। ठीक है, यूपीआई है जो हम लोग यूपीआई की सर्विस यूज करते हैं, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है इंडिया में? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स एनपीसीआई। कुचिपुड़ी मतलब कि आंध्र प्रदेश, कच्ची पूड़ी तली, कच्ची पूड़ी तली आंध्र प्रदेश में, ऐसा कह सकते हो अंधे लोगों ने कच्ची पूड़ी तली, तो आंध्र प्रदेश यहाँ से निकल सकता है, इस तरह से आप कह सकते हो कच्ची पूड़ी तल दी, तलने का मतलब बनाना होता है तेल में। ठीक है, नेशनल यूथ डे किसके याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, शिकागो की उनकी जो समिट थी जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हो गए, उसके बाद रामकृष्ण आश्रम बनाया इन्होंने, तो स्वामी विवेकानंद। देन नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये देख लेना आया है कि नहीं, कन्फर्म नहीं हूँ मैं इसमें। ठीक है, इसमें मैं कन्फर्म नहीं है वाला, एक बार कमेंट करके बताना क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। देन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो भारतीय मौसम विभाग है, वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देन नेक्स्ट है, साक्षी मलिक कौन से गेम से रिलेटेड है? मोस्ट फेमस प्लेयर हैं, और भारत का नाम काफ़ी जगह इन्होंने रोशन किया है, तो साक्षी मलिक आई थिंक इन्होंने काफ़ी वो भी जीता है, अवार्ड भी जीता है। ठीक है, तो रेसलिंग का जो गेम होता है, रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेसलिंग। नेक्स्ट है, योगा डे कब मनाया जाता है? सबको पता है 21 जून, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा मतलब राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12। लोकसभा पूछा है तो 2, टोटल पूछा है तो 14। ओके, देन कुरुक्षेत्र कौन से स्टेट में? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हरियाणा। तो ये हमारे अभी तक जो भी क्वेश्चन आए थे उसके बारे में है, और मिलते हैं फिर से थर्ड शिफ्ट के साथ, और थर्ड शिफ्ट के साथ मैं देखूंगा फर्स्ट और सेकंड एक साथ कंपाइल करके दे दूंगा,
ताकि जिसका कल एग्जाम है उसको साथ मतलब अलग अलग वीडियो ना देखने पड़े, एक ही वीडियो में उसको सब कुछ मिल जाए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसके एनालिसिस में, तब तक मेरे साथ ऐसे बने रहिए। और चैनल पे आप लोग नए आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप लोगों को आने वाले जो भी वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।